हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है MySirG.com के इस चैनल पे, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम 16वां प्रोग्राम लेके आए हैं सी लैंग्वेज का। और ये आज का प्रोग्राम प्रिंटएफ और स्कैनएफ के कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आज आपको एक और नया कॉन्सेप्ट मैं सिखा पाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का प्रोग्राम। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और printf भी यूज़ किया है, printf के अंदर scanf यूज़ किया हुआ है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ये नई चीज़ हो, और जिन लोगों के लिए नई चीज़ है उन्हें थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसका आंसर देने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इत्मीनान से इसका आउटपुट निकालिए और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिए, आप लोगों ने तो आंसर निकाल लिया होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर निकाला होगा। यहाँ पर इसका आउटपुट निकालने के लिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि scanf फंक्शन है और वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। पहले तो दो वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम में बने हुए हैं, एक का नाम हमने रखा है x, एक का नाम रखा है y। अब ये दो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, लेकिन असली कहानी है इस printf में, जिसके अंदर मैंने एक एक्सप्रेशन के रूप में scanf लिखा हुआ है, जिसका रिजल्ट इस जगह पर प्रिंट होने वाला है। पर scanf एक फंक्शन है, पहले तो वो अपना काम करेगा, और फिर scanf फंक्शन जो भी काम करता है लास्ट में कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू रिटर्न होकर इस जगह पर आएगी और वो परसेंटी की जगह पर प्रिंट होने वाली है। तो scanf क्या रिटर्न करता है ये बाद में देखते हैं, पहले scanf कर क्या रहा है वो देखो। scanf के चलने से दो वैल्यूज हम इनपुट कर पाएंगे, और पहली वैल्यू x में और दूसरी वैल्यू y में जाएगी। सपोज करिए मैंने वैल्यू एंटर करी 12 और 35, तो ये दोनों वैल्यूज किस में चली जाएंगी, x और y में चली जाएंगी। पर ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको मालूम है। तो असली बात क्या है जो आपको नहीं मालूम? scanf जितनी वैल्यूज इनपुट ले रहा है ये उस संख्या को रिटर्न करता है। यानी ये दो नंबर्स इनपुट करवा रहा है, दो बार परसेंट डी लगे तो दो वैल्यूज इनपुट करवा रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट होगा, रिटर्न होगा 2। तो scanf की जगह पर आ गया है 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज की जगह, लेकिन ये बाद में चलेगा, पहले तो scanf चलेगा। तो स्क्रीन पे 2 इसके बाद दिखेगा, वो भी नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि scanf का जो स्टेटमेंट है वो एंटर से एंड करते हैं। तो जब एंटर की प्रेस करी होगी तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया होगा, तो ऐसा कुछ आउटपुट आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर scanf में मैंने परसेंटेज 2 नहीं 3 बार लगाए होते, 3 वेरिएबल्स के एड्रेस लिखे होते, तो फिर इसी scanf का आउटपुट आता या रिटर्न होती वैल्यू 3। तो परसेंट डी जो printf में लिखा हुआ है यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती, 3 आ जाती। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि scanf कितनी वैल्यूज इनपुट करता है। हम क्या नंबर एंटर कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो हम इसको एक बार रन करके और देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, देखिए अभी स्क्रीन रुकी हुई है क्योंकि scanf अभी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक नंबर एंटर करता हूँ जो कि x की वैल्यू होगी, जैसे मैंने एंटर किया 12, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैंने लिखा है 35, ये दूसरा नंबर है जो कि y में जाएगा। और उसके बाद अब जो मैं कुछ एंटर करूँगा, जैसे ही मैंने एंटर किया scanf का काम ख़त्म हो जाएगा, 12 और 35 x और y में चले जाएंगे, और scanf फंक्शन जो रिटर्न करेगा printf उसको प्रिंट करेगा। तो scanf फंक्शन ने रिटर्न किया है 2, इसलिए आउटपुट आ रहा है 2। तो ये बात समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर 2 की जगह एक ही परसेंट डी लगा होता, चलिए मैं करके बता देता हूँ, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल होता फिर, तो फिर इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट होता 1। क्योंकि देखिए एक इनपुट लेते हैं आप, तो जब scanf एक ही इनपुट ले रहा है तो इसका आउटपुट होना चाहिए 1। ओके, अभी देखते हैं, मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, लेट से मैंने 12 एंटर किया, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1। यानी scanf वो रिटर्न करता है कितनी वैल्यू आपने एंटर करवाई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखा आपने, पसंद आया तो लाइक करिए ना, और लाइक कर लिया है तो शेयर भी करिए। शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हैं, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा। और क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह के वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं जो रेगुलर पढ़ाई में आप नहीं सीख पाते हैं? कमेंट्स के जरिए ये सारी बातें मुझे बताइए, शेयर करिए, अपने विचार बताइए, अपने डाउट्स बताइए, अपने जो भी शिकायत है, सुझाव हैं, वो सब बताइए।
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जब भी कोई वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होता। इसके अलावा मेरे सारे के सारे वीडियोज MySirG.com वेबसाइट है मेरी, उस पर रखे हुए हैं, आप उसको विजिट करें और वहीं से वीडियोस को देखें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल्स एक से ज़्यादा हैं और वीडियोस अलग अलग जगह पर रखे होते हैं, तो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर ढूंढने में भी दिक्कत जाए। साइट पर जाएंगे तो आपको एक बार में सारी वीडियोस बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएंगे, तो उसको देखिए ज़रूर और पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू।